सुलेमानी के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई के बाद जहां ईरान में गुस्सा है और दोनों देशों के बीच संघर्ष पैदा हो गया है, वहीं अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के कदम की आलोचना हो रही है। इन तमाम कार्रवाई में ट्रंप को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने अपनी इस आलोचना को अमेरिका का अपमान करार दिया है। इन सब के बीच अमेरिका में विरोधी डेमोक्रेट्स भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे और कासिम सुलेमानी की मौत पर सवाल उठाने लगे। यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप पर अमेरिकी सैनिक और नागरिकों की जिंदगी खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए ईरान के खिलाफ उनकी शक्ति कम करने तक का प्रस्ताव ले आई। इन तमाम आलोचनाओं पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि हमने कासिम सुलेमानी को मारा है, जो दुनिया का नंबर वन आतंकी था। उस शख्स ने बहुत अमेरिकियों को मारा भी था, इसलिए हमने उसे मार दिया। जब डेमोक्रेट्स इसके बचाव की कोशिश करते हैं तो यह देश का अपमान है। आपको बता दें कि अमेरिका ने 3 जनवरी को ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को दुनिया का नंबर वन आतंकी बताकर एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। अमेरिका के इस कदम के बाद ईरान ने खुलेआम बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ईरान ने इराक स्थित अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले भी किए। टीम खबर अपडेट।